उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, जिन्हें जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। इसमें जायस रेलवे स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वसीरगंज हॉल्ट स्टेशन और कासिमपुर हॉल्ट शामिल है। अब योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी नाम बदलने की राजनीति को मुद्दा बना चुकी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, आखिर क्यों नाम बदलने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले शहर के नाम बदले, चौक चौराहों के नाम बदले, उर्दू बाजार हिंदी बाजार हो गया, तो अब चुन चुन कर स्टेशनों के नाम बदलने लगे हैं। योगी के आदेश पर उन रेलवे स्टेशनों का नामकरण हो रहा है जिनके नाम में या तो कासिम है या फिर अकबर या जैश। अब इन रेलवे स्टेशनों का नाम धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। जायस स्टेशन का नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम हो गया। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस होगा। मिसरौली स्टेशन का नाम माँ कालिकन धाम होगा। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम होगा। अब जब रेलवे स्टेशनों के नाम बदले तो सियासत भी होने लगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल हादसों की रोकथाम के लिए भी कुछ वक्त निकालकर विचार करें। दरअसल नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिन स्टेशनों के नाम बदले गए उनमें ज्यादातर अकबर, वारिस, कासिम जैसे नाम हैं, जिन्हें बदलकर या तो धार्मिक या फिर महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। नाम बदलने तो आज से थोड़े बदल रहे हैं, तो हर बार बदल रहे हैं। ये तो भारत का नाम बदलने को आमादा थे, इंडिया से भारत ही करना है, इंडिया अभी पसंद नहीं आता है, तो इनकी बात छोड़िए। कि आपने मलिक मोहम्मद जायसी की याद में जो जायस स्टेशन बनाया आपने उनका नाम हटा दिया। आपको पूरा देश का मुसलमान तालिबान नजर आता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत की रचना करने वाले और हिंदी काव्य में उनका स्थान तुलसीदास के अस्तर में बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को न जाने क्यों इस्लामिक नामों से इतना प्रेम होता है कि जब जब भी नाम परिवर्तन होते हैं और विशेष करके दलित बहुजन नायकों के नाम पर जब नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज नाम किया था मायावती जी की सरकार ने, लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को पीड़ा हुई और अखिलेश यादव जी ने उसका नाम परिवर्तित करके फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। यानी गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है। यानी विरोध की आवाज तब भी उठी थी जब फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और विरोध की आवाज अब भी उठ रही है जब अकबरगंज भवानी धाम हो गया और वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया, क्योंकि इस नाम में बहुत कुछ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी के बाद बात रेल हादसों के साजिश की कर लेते हैं, क्योंकि देश में लगातार रेलवे ट्रैक पर कभी पत्थर मिल रहे हैं, कभी सरिया मिल रही है, कभी सिलेंडर तो कभी सीमेंट ब्लॉक मिल रहे हैं। इन्हीं वजहों से देश में पिछले 15 दिनों में 4 ट्रेन पटरियों से उतरते उतरते बची हैं। अब तक ऐसी खबरें आती थी तो लगता था कि ये कुछ सिरफिरों की शरारत हो सकती है, लेकिन ये घटनाएं भारत के खिलाफ आतंकी साजिश हो सकती हैं, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। बात पिछले कुछ दिनों की करें तो ट्रेन डीरेल की साजिश कई बार हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2023 को जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और रॉड मिले थे। 14 जनवरी 2024 को जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे पत्थरों से टकरा गई थी। और इसी साल 29 जनवरी की अगर बात करें तो मेजा ऊंचा डी के बीच एक मालगाड़ी कंक्रीट के ढक्कन से टकरा गई थी। 1 मई 2024 की बात करें तो नैनी और दून एक्सप्रेस के ट्रैक पर 100 किलो का पत्थर रखा पाया गया। और इसी महीने यानी कि 1 अगस्त को पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स को भी पकड़ा था।
और 23-24 अगस्त को जोधपुर से साबरमती के बीच वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक मिले थे। यानी कि बार बार ट्रेन डिरेल करने की साजिश के बीच अब आतंकी का एक वीडियो मैसेज इसी को जोड़कर देखा जा रहा है और इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश, भारत में ट्रेन हादसों के पीछे ISI, ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे ISI, वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का ये वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहमती ग्रोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी ग्रोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रोहों को मिलाकर मुस्तकबिल में बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि गोरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। ऐसे में सीएम योगी खुद प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन करवा रहे हैं। हालांकि इस आयोजन को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सीएम योगी का दौरा उन जिलों में हो रहा है जहां उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि युवाओं को साधने के लिए सीएम योगी अब खुद ही मोर्चे पर उतर चुके हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नौकरियों की बहार है। सरकारी नौकरियों के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है तो प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, खासकर उन जिलों में रोजगार मेला युवाओं को साधने का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। सीएम योगी न सिर्फ यूपी के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं बल्कि उनके सुनहरे भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं। पहले मिल्कीपुर, फिर कटेहरी, उसके बाद मुजफ्फरनगर और अब अलीगढ़।
जहां खैर में उपचुनाव होने वाला है, जहां उन्होंने छात्र छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे, रोजगार मेला में 5,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, उद्यमियों को 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरण किया और अलीगढ़ में 705 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और 2017 से पहले और बाद का फर्क समझाया। प्रदेश की इस प्रगति को, प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहन और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से अभी तक सरकार ने 4 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए हैं और अगले हफ्ते 4 और सीटों पर रोजगार मेला लगवाया जाएगा, जिसकी कमान मुख्यमंत्री योगी ने खुद संभाली है। इन रोजगार मेलों के जरिए सीएम योगी को उम्मीद है कि वो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के बनाए माहौल को खत्म कर पाएंगे और उपचुनाव में लोकसभा चुनाव का बदला ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।